मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करता है, लेकिन उसके तीन तरीके हैं, तीन जहते हैं दुआ की कबूलियत की। या तो जो तुम मांग रहे होते हो रब वही तुम्हें अता कर देता है, या वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होता जो तुम मांग रहे हो। तुम बेशक बड़े बेचैन हो, बड़े तड़प रहे हो। मैं एक मिसाल दे चुका हूँ पहले कि बच्चा एड़ियाँ मार रहा। या तो जो तुमने मांगा है तुम्हारा रब तुम्हें वही दे देता है, या वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होता तो अल्लाह उसके बदले तुम्हें कोई और चीज़ दे देता है। और हुज़ूर फरमाते हैं कई दफ़ा ये होता है कि तुम्हारे हक में कुछ भी बेहतर नहीं होता, दुआ तुम्हारी अल्लाह फिर भी रद्द नहीं करता। तीसरी सूरत में रब तुम्हारी दुआएं ज़खीरा कर लेता है और उन दुआओं के बदले अल्लाह क़यामत में तुम्हें अजर अता फरमा देगा। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि इंसान की मिसाल उस बच्चे की तरह है कि जो बड़ा छोटा है और वो अपने वालदैन से आग का अंगारा मांग रहा है। जितना मर्ज़ी भी रोए, जितनी मर्ज़ी भी वो आहोजारी करे, उसकी माँ और उसका बाप जानते हैं कि ये आग है, इसको तकलीफ़ देगी, उसको देते नहीं। इंसान की मिसाल इसी तरह है।